हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपके लिए लाया हूँ महादेव जी वर्मा की कहानी घिसा। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती, यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सह में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने के कारण बता सकती, जो कि छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है। उससे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। दूर बसे हुए गुणों के बड़े बड़े घरों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का जो झुंड पित्तल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है, उसे भी मैं पहचान गई हूँ। उनमें कोई बूटेदार लाल, कोई नीली काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलती। उनमें कोई बूटेदार लाल, कोई नीली काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाले, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रहती है। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है और किसी की कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जगह बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उसकी उदासी को और अधिक केंद्रित कर देती है। किसी की सांवले गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रहकर हीरे से चमक जाते हैं और किसी की दुर्बल कलाई पर लाख की पीली मेली चूड़ियां काले पत्थर पर मटमैले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती है। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ के घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती है और कोई चांदी के पछेले कंकना की झनकार के ताल के साथ ही बात करती है। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी कभी झांककर भर लेती है और किसी तारे लंबी जंजीर से गला और गाल एक करती रहती है। किसी के गुदना गुदे गेहूए पैरों में चांदी के कड़े सुडोलता की परिधि से लगते हैं और किसी की फैली उंगलियां और सफेद एड़ियों के साथ मिली हुई शाही रंगे और कांसे की कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़िया बना देती है। वे सब पहले हाथ मुंह धोती है, फिर पानी में कुछ घुस कर घड़ा भर लेती है, तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंदूरी ठीक करते हुए मेरी ओर देखकर कभी मलिन कभी उजली कभी दुख की व्यथा भरी कभी सुख की कथा भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती है। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें अज्ञात है, तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका बार बार जोड़ना नहीं भूलती। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर तोड़ पड़ते हैं। गडेयों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देख कान पकड़कर खींच लाते और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचा कर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह, कभी कभी चुनरित रंगाऊ लाल मजीठी हो गीत गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही चका कर चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का कर्म करने वालों से मुझे एक सलज नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है।
कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह कि बिना किसी चीर परिचित समारोह के, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर, और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथ में कड़े पहने गुले कुर्ते और उच्च मेले धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने हुए खेत में डराने के लिए खड़े किए गए नकली आदमी का स्मरण लाते, कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ अपने दुर्बल रूखे मलिन मुखों की करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की अपेक्षा बटोर बैठे थे। पर गिस्सा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। वह गोदोली मुझे अब तक नहीं भूली, संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुक्कुल पर रात्रि में मानो छिप कर अंजन की मुठ चला दी। मेरा नाव बाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें कागज कलम आदि संभाल कर नाव पर रखकर बढ़ते अंधकार पर खिजला कर बुदबुदा रही थी, या मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर, यह समझना कठिन था। बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 लंबे वर्ष काट आई, नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है, परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला। सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आते देख ठिठक रहे। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पतले शाह और कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थी। मलिन बिना किनारे की गाढ़े की धोती ने उसके सलूका रहित अंगों को भले भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडोलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुई थी, उसे मैंने संध्या के चुट कोटे में ठीक से नहीं देखा। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेतों में जो कहा, उससे मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं है। दूसरों के घर लेपने पोतने का काम करने वह चली जाती है, और उसका वह अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके। दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग पर गठन में और अधिक सुडोल मलिन मुख, जिसमें दो पीली पर सचेत आंखें झड़ी सी जान पड़ती थी। कस कर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हुई हड्डियों वाली गर्दन को संभालते हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसे झूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष पुष्ट जान पड़ते थे। बस ऐसा ही था वो गीसा, न नाम में कवित्व की गुंजाइश न शरीर में, पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रही रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उनका ध्येय था। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसीलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी के बुआ आदि ने गिसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्हीं ने बताया और बताया
गीसा के सबसे अधिक कुरुप नाम का रहस्य, बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा, घर में कोई देखने भालने वाला न होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक और लेटा कर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घसीट घसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त करता जाता था। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोक कर अनेक प्रकार की भावभंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में गीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। क्रमशः मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी न जाना। उसका बाप था तो कोरी, पर बड़ा ही अभिमानी और भला आदमी बनने का इच्छुक था। दलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वो थोड़ी बड़े गिरी सीख आया, और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव से युवती वधू लाकर उसने अपने गांव की सब सजाती सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वहां बुला लिया गया। जाना जाने का बहाना न उसकी बुद्धि सोच सकी न अभिमान, पर स्त्री भी कम गर्वीली न निकली। गांव के अनेक विदुर और अविवाहित कोरियों ने केवल उदारतावशी उसकी जीवन नैया पार लगाने का उत्तरदायित्व लेना चाहा, परंतु उसने केवल कोरा उत्तर ही नहीं दिया, प्रत्युत उसे नमक मिर्च लगा कर तीता भी कर दिया। कहा, हम सिंध के मेहरारू होई के कासियारन के जाब, और बिना स्वर ताल के आंसू गिरा कर बाल खोल कर चूड़ियाँ फोड़ कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज क्षोभ के विषम समुद्र में डूबने उतराने लगा। उस पर गीसा बाप के मरने के बाद हुआ है, हुआ तो वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष सा बीतता है और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता। इसी से वो 6 माह का समय रबर की तरह खींच कर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया। तो इसमें गांव वालों का क्या, ये कथा अनेक क्षेप कोमाए विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी मेरा मन फेरने के लिए, और मन फिरा भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथावाचकों की ओर न फिर कथा के नायकों की ओर फिर गया, और इस प्रकार गीसा मेरे और अधिक निकट आ गया। वह अपना जीवन संबंध अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया था, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर न था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कुछ छूत की बीमारी हो। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता कि उसकी माँ से उसे मांग ले जाऊं और अपने पास रख कर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उस उपेक्षा पर माननी विधवा का वही एक सहारा था, वो अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, यह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्बल हो सकता है यह भी मुझसे छिपाना था। फिर 9 साल के कर्तव्य पराया गीसा के गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृ भक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही न रह जाता था, और इस तरह गीसा वही और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ क्रूरतम नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए ही उसे रख दिया था। शनिश्चर के दिन ही वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकना पंदे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मेले फटे कपड़े में बंदी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना और एक डली गुड़ बगल में दबा कर पीपल की छाये को एक बार फिर झाड़ने बुहारने के पश्चात वो गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली
सतेज आंखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपने पतले टांगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए ही साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता। जाना जाने कितने बार दोहराए तिहराए वे कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति अब तक होती। पेड़ के नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बारम्बार झाड़ पहुँच कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाले सूखी शाही के से काले कच्चे कांच की दावत अपने टूटे नींव और उखड़े हुए रंग वाले भूरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकाल कर यथास्थान रख दी जाती। और इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सब प्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। महीने में 4 ही दिन मैं वहाँ पहुँच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता से 1-8 छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था। पर उस थोड़े से समय और इन्हें गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिला। वह चित्रों के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे कि तैसे ही सामने थे। केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धोए आए थे। मेल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ ने हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ में अलग जोड़े हुए से लगते थे। और कुछ न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए कीट से मेले फटे कुर्ते कर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य है गए। अचंबा कौन की घोषणा करते जान पड़ते थे पर घिसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने या एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनने को आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझना पड़ रहा कि घिसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूर के पैसे मिले नहीं और दुकानदार ने नाज लेकर साबुन दिया नहीं। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वो सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है अतः घिसा कपड़े धो रहा है क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। जब किसान नहा कर गीला अंगोछा ही लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने बेल शीशे से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबी ले गई। पर कुछ तोलने वाले की सफाई से कुछ तुलने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक न मिल सकी। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई ने केले चाहिए, चौथे को किसी की और याद आ गई। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबियाँ लेकर घिसा कहाँ खिस गया यह कोई नहीं जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था सार एक ठो पिलवा पाले हैं ओही को देख गवाह होए। पर मेरी दृष्टि से संकुचित होकर चुप रह गया और तब तक घिसा लौटा ही। उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्ने में 3 जलेबियां लपेट कर वह माई के लिए छप्पर में घोंस आया। एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी और 2 स्वयं खा ली और चाहिए। पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गई और कुछ हिले। पता चला कि पिल्ले को
उससे कम मिली है। दे तो गुरु साहब पिल्ले को एक और दे दे। और हथेली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों में अंकित है जिसका तुल सकना सहज नहीं है। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंचाने की पूर्ण संभावना थी। किसा 2 सप्ताह से ज्वर्स में पड़ा था, दवा में भिजवा देती थी, परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंधन न हो पाता था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठा कर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं यथाक्रम बच्चों को विदा दे किसा को देखने चले, परंतु पीपल से 50 पग पहुँचते न पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों पर घिर के पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वो तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसकी सन्निपात ग्रस्त होने का ही संदेह हुआ। उसके सूखे शरीर में तरल विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और विस्तृत तेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाले लोहे का टुकड़ा। पर उसके बात ग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वो प्यास से जाग गया पर पानी पास मिला नहीं और अंधी मनिया की आजी से मांगना ठीक न समझकर चुपचाप कर सहने लगा। इतने में मुल्लू के मक्का ने पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के कक्का के हटते ही वह ऐसे होले होले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला और कभी दीवार का कभी पेड़ का सहारा लेता लेता वह इस ओर भागा। अब वह गुरु साहब के घोड़े घर कर यहीं पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह भी न जाने लगा। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना था ही, पर साथ ही बीमार गीसा को कैसे समझा कर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न हो जाए। पर सदा के संकोची नम्र और आज्ञाकारी गीसा का इस दृढ़ और हट्टी बालक में पता ही न चलता था। उसने पार साल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे और कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उन चित्रों में और गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। यह सुनते ही कि मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ के पास साल भर में एक बार ही पहुँच पाते हैं और जो मेरे न जाने से अकेले घबरा जाएंगे। गीसा का सारा हट सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे वो कभी था ही नहीं। और तब गीसा के समान तर्क की क्षमता किसमें थी जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। गीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वे ही तो गीसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं आदि आदि। उसके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है, परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने गुखा से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीट लाने वाले गीसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लेटाकर मैं लौटी तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। इसके उपरांत गीसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाले गर्मी की हवा से उसका रोज संग्राम छिनने लगा। झाड़ते झाड़ते वही पाठशाला धूल दूसरी थोकर भूरे पीले और कुछ हरे पत्तों की चादर में छिपकर तथा कंकाल शेष शाखाओं में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतप्त सरसर के से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहां रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला गीसा किस किसाती आंखों को मलता और पुस्तक से बराबर धूल झाड़ता हुआ दिन भर वही पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मानो वो किसी प्राचीन युग का तपोवृत्ति अनागरिक ब्रह्मचारी हो
जिसकी तपस्या भंग करने के लिए ही लू के झोंके आते हैं। इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान झपट कर उस दिन पर उंगली धर दी जब मुझे उन लोगों को छोड़ जाना था। तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा था। कुछ बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिक्कियां रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में जूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था और कुछ कागजों पर अकारण ही चूहों की समस्या का समाधान चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में किसा न जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैंने उसे न खोज पाया। जब मैं कुछ चिंतित सी वहां से चली तब मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोहरा सा घिर रहा था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था। ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यही सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर जो आर्द्र दृष्टि डाली वह कुछ समय तक उन परिचित स्थानों को भेंट कर वहीं उलझ गई रही। पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उठते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे घर आकंड मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में पड़ी गंगा की मिट्टी जैसी जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कच्छार की बालों में दूर तक फैले तरबूजे के खेत में खेत अपने सिरकी और फूस की मिट्टियों टट्टियों और रखवाली के लिए बनी हुई पर्ण कुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर पर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। वो घिसा ही होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब को उसे विदा देनी है, पर उसका नन्ना हृदय अपनी पूरी संवेदन शक्ति से जान रहा था, इसमें संदेह नहीं था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे बिछों की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, यह जानना मेरे लिए शेष था। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोदुली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाला नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर की इस लक्ष्य कलालाए चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ते थी। गीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वो उसे चुरा लाया है? मन का संदेह बाहर आया ही और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं जो अपने सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रख निश्चिंत हो जाता है। गीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वो तरबूज कई दिन पहले देख आया था, भाई के लौटने में न जाने क्यों देर हो गई। तब उसे अकेले खेत पर जाना पड़ा। वहां खेत वाले का लड़का था जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नजर थी। प्राय सुना सुना कर कहता था कि जिनकी भूख झूठी पत्तल से बुझ सकती है उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। किसा आज तक तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता। इससे कुर्ता दे आया, पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि गर्मी से वो कुर्ता पहनता ही नहीं और जाने आने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफेद न हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न ले तो घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। ले जाए तो वो रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को
किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक के सारे आदान प्रदान फीके हो। फिर गिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर में बाहर चले गए और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब गिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझमें शक्ति नहीं है, पर संभव है आज कल से कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है दोस्त।